अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम ड्राइव करेंगे फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है। और हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है, हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये है, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। समटाइम ये ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, स्टेट एंड राइट फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम जस्ट ऐसे राइट कर देंगे, इफ़ अल्फा बीटा बी एनी टू एंगल्स, रियल अल्फा बीटा बिलोंग टू रियल नंबर एंड अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन जीरो, देन कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमारे पास है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसे हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम अपनी आसानी के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिट सर्कल है, और ये यूनिट सर्कल हमने कहाँ पर राइट किया है, ये बेसिकली यूनिट सर्कल हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रा किया है। यहाँ पर हमारे पास है एक्स एक्सिस और यहाँ पर ये हमारे पास है वाई एक्सिस। हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट प्लेन में एक यूनिट सर्कल ड्रा कर दिया। अगर ये यूनिट सर्कल है तो डेफिनेटली इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगा वन यूनिट। अब हमने क्या किया, इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट का मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, यानी इसको इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट क्या किया, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसे भी बाइसेक्ट कर दिया, और नेक्स्ट ये जो पार्ट है इसे भी हमने बाइसेक्ट कर दिया। इस तरह हमारे पास जो पॉइंट्स क्रिएट हुए, जो एंगल क्रिएट हुए, उसके लिए ए बी सी डी, इसे हमने ए बी सी डी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर एक हमारे पास है मेजर एंगल, एक हमारे पास है यहाँ पर मेजर एंगल ए ओ डी, इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये हमारे पास है अल्फा। और सेकंड हमारे पास मेजर एंगल है ए ओ सी, जिसे हम कह दिया कि ये एंगल है हमारे पास बीटा। और दोनों का डिफरेंस जो है, ये वाला हमारे पास क्या है, ये डिफरेंस हमारे पास है अल्फा माइनस बीटा। अब स्टार्ट में हमने ये कहा कि हमने इक्वली बाइसेक्ट किया है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास आर्क लेंथ ए बी और यहाँ पर आर्क लेंथ सी डी ये सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि एंगल सेम है, और अगर एंगल सेम है तो इनका डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम। यानी हमारे पास ए बी डिस्टेंस और सी डी डिस्टेंस ये क्या है, सेम। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, एक यूनिट सर्कल लिया और यूनिट सर्कल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर दिया, अगेन बाइसेक्ट किया, पॉइंट बने, और पॉइंट बनने के बाद हमारे पास एंगल बन गए। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टार्ट में कंसीडर a unit circle with center at origin and radius r is equal to 1. अब take points a b c d on the boundary of the circle such that measure angle a o b a o d is equal to alpha, measure angle a o c मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू बीटा, मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, और मेजर एंगल सी ओ डी ये भी इक्वल है, मेजर एंगल सी ओ डी ये भी इक्वल है अल्फा माइनस बीटा के, विद कोऑर्डिनेट्स आर। यानी हमारे पास पॉइंट ए है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए के कोऑर्डिनेट होंगे 1,0। 1,0 कैसे, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है 0 और कॉस 0 कॉमा साइन 0। कॉस 0 क्या होगा, कॉस 0 होगा 1, साइन 0 क्या होगा, साइन 0 होगा 0। देन हमारे पास है पॉइंट बी, पॉइंट बी के साथ कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बन रहा है, कॉस, एंगल कौन सा बन रहा है अल्फा माइनस बीटा कॉमा साइन, एंगल कौन सा बन रहा है अल्फा माइनस बीटा। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट सी विद कोऑर्डिनेट, अब सी के साथ एंगल क्या बन रहा है बीटा, तो ये बनेगा कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा। एंड लास्ट है हमारे पास पॉइंट डी विद कोऑर्डिनेट कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट थे पॉइंट ए बी सी डी के। यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं, ए के कोऑर्डिनेट हैं 1,0, हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट हैं
कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमा साइन अल्फा माइनस बीटा। सी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा, और डी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा। अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम फिगर। ये हमें पता है कि ए बी का जो डिस्टेंस है किसके इक्वल है, यहाँ पर सी डी के इक्वल है। और क्यों इक्वल है, बाय डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्री ज्योमेट्री, अगर यहाँ पर ये टू एंगल सेम है तो इट मीन्स आर्क लेंथ सेम है। आर्क लेंथ सेम है तो आर्क डिस्टेंस जो है हमारे पास ए बी सी डी क्या होगा, सेम। अब हम अप्लाई करेंगे इस पे डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के लिए इसी पे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दी। हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये है एक्स वन वाई वन, ये है एक्स टू और ये है वाई टू। तो यानी ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, हमारे पास होगा एक्स टू कॉज अल्फा माइनस बीटा माइनस एक्स वन यानी वन का होल स्केयर प्लस प्लस हमारे पास है y कोऑर्डिनेट साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू, राइट साइड पर जाते हैं, राइट साइड में हमारे पास क्या है cd का डिस्टेंस, ये है पॉइंट x1 y1 ये x2 y2। तो ये बनेगा cos अल्फा माइनस cos बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये बनेगा ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस बी स्क्वायर वन का स्क्वायर वन माइनस टू ए बी माइनस टू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस, इससे ज़ीरो लेस करेंगे तो डेफिनेटली यही वैल्यू आएगी। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, राइट साइड को एक्सपेंड करेंगे, ये बनेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस टू कॉस अल्फा कॉस बीटा। यहाँ भी फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा। अब अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, आप नोटिस करें कि अगर मैं इसको अरेंज करूँगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ये क्या बनेगा, वन। तो हमने राइट कर दिया वन, ये ऑलरेडी वन है, माइनस का टू कॉस अल्फा माइनस बीटा। राइट साइड पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये क्या बनेगा, वन। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ये क्या बनेगा, वन। रिमेनिंग क्या रहा, माइनस टू कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे भी वन प्लस वन ऐड करेंगे टू, राइट साइड पे भी वन प्लस वन ऐड करेंगे टू, तो ये टू टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग रहा माइनस टू कॉज अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर माइनस टू कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा। अब हम क्या करते हैं, राइट साइड से माइनस का टू कॉमन ले लेते हैं, तो जब मैं माइनस टू कॉमन लूँगा तो हमारे पास क्या बनेगा, कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये माइनस टू इस माइनस टू से कैंसिल आउट, तो हमारे पास फार्मूला क्या बना, कॉज अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, विच इज़ कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये फार्मूला था जिसकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।